Gulshan Lal Ajmani, former legislator from Ranchi and one of the main accused of the forest scam who was jailed for several months, has joined BJP in Jharkhand as the state goes to polls later this year. While speaking to media persons, Gulshan Lal Ajmani rebutted any speculations of dispute between him and BJP senior leader Yashwant Sinha. The former lawmaker said he's back in the BJP fold as one of its party members. पार्टी उनकी नहीं है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और इसके अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी पार्टी के नेता हैं, हम एक कार्यकर्ता के रूप में दोबारा घर में आए हैं और मेरी उनसे भी बातचीत होती है, हमारे गार्जियन हैं, कभी उन्होंने कुछ कहा होगा, मैंने कुछ कहा होगा तो सारी चीज़ भूल सुधार है और वर्तमान में मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं और मुझे नहीं याद है कि पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ कहा और मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि यशवंत सिन्हा जैसे कद्दावर नेता मेरे बारे में कुछ बोले। Rajiv Ranjan, the JVM national secretary, slammed the induction and said a group of tainted leaders are joining BJP, keeping an eye on the forthcoming state polls. He also hoped the people of Jharkhand will teach a lesson to the BJP in the coming polls. भाजपा के राजनीति का पाखंड का जो चेहरा है वो खुल गया है, जिस नैतिकता और शुचिता की बात करने वाली पार्टी के रूप में अपने आप को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी भाजपा, उनका असली चेहरा अब सामने आ रहा है कि दल में चुनाव लड़ने की मंशा को लेकर के कई लोग शामिल हो रहे हैं और ऐसी जमात शामिल हो रही है जिनके ऊपर पहले से कई मामले चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो खुद को औरों से अलग हटाकर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, जनता को समझ में आ गया है इनके राजनीतिक चाल चरित्र और चेहरे के बारे में, आने वाले चुनाव में इसका माकूल जवाब इनको जनता देने जा रही है। पावर्ड बाय NNIS।